राजस्थान में एक बार फिर से मीडिया पर प्रतिबंध लगने जा रहा है क्योंकि राजस्थान विधानसभा का बजट कालीन सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन कई जगह पत्रकारों के मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी गई है। यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया कि इस बार काफी सख्त नियम है। या केवल मीडिया ही नहीं, मंत्रियों को भी हिदायत दी गई है कि वे अपने स्टाफ को भी सीमित संख्या में ही लेकर आ पाएंगे। मैं बातचीत करता हूं, हमारे साथ पत्रकार संगठन के कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि एक काला कानून बीजेपी सरकार पिछली बार लेके आई थी, और इस कानून को किस तरह से देखते हैं आप? पिछली बार जब बीजेपी सरकार इस काले कानून को लेके आई थी तो यही कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायक हमारे साथ आके खड़े हुए थे, और इन्होंने उस बात को कहा था कि बिल्कुल नितांत गलत है और मीडिया पर इस तरह की बंदिश नहीं होनी चाहिए। और आज जबकि वही कांग्रेस की सरकार आई है और उन्होंने ये हमारी जो पुरानी परंपरा रही है उसको तोड़ते हुए हमारे अधिकारों पर ही जो हनन किया गया है वो वाकई निंदनीय है। और हमने हमारी कमेटी, इसके पीछे क्या कारण आपको नजर आ रहा है? क्या मीडिया हद से ज्यादा पार जा रही थी अपने, या अपने सरकार नहीं चाहती कि मीडिया ढंग से या खुलकर काम कर सके? देखिए, एक बात इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस सरकार ये चाहती नहीं है कि हमारी बात जनता तक जाए और हमारी विफलता मीडिया के माध्यम से जाए, और जिस तरह के हमारे नए नए नियम लगा के हमारे को रोका जा रहा है ये वाकई सरकार की मंशा में खोट नजर आता है। रोशन जी, मैं आपसे बात करूंगा, सीनियर पत्रकार हैं, मंत्री भी आज इतने मजबूर थे, उन्होंने साफ कह दिया जब हमारे स्टाफ को ही अलाउ नहीं किया जा रहा है तो मीडिया को कवरेज के लिए हम क्यों अलाउ करें। यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरामैन के पास नहीं बने, खाली रिपोर्टर अंदर जाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या कर पाएगा? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ जब 21 तारीख को मीटिंग थी, पहली मीटिंग थी, हालांकि मैं इस कमेटी में भी हूं और पहली बार मैं इस कमेटी में किसी भी सरकारी कमेटी में पहली बार शामिल हुआ हूं, तो पहली मीटिंग मेरे लिए मेरे को सिर्फ सीखने के लिए थी। मैं देख रहा था क्या चीज़ें कैसे होती है, लेकिन उन्होंने तय कर रखा था, उन्होंने ये कहा कि क्राइटेरिया बनाना है पास जारी करने का। अब आप क्राइटेरिया में राय दीजिए कि क्राइटेरिया कैसे बने। इसी प्रकार ये जो मंत्रियों के जब जाने की, मंत्रियों के वहाँ तक जाने की और उसकी बात थी, तो उन्होंने कहा हम इसको बंद करेंगे। हमने कहा साहब ये बंद नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब विधानसभा में शोर होता है, हंगामा होता है, मंत्री का रिप्लाई होता है तो हम सुन नहीं पाते, तो हमें मंत्री के पास जाना पड़ता है। तो बोला आप जाओ ना, आप इजाज़त लो और जाओ, और वो इजाज़त का क्या क्राइटेरिया होगा वो कुछ मीटिंग में तय नहीं हुआ था। बाकी इस तरीके की बंदिशें कम से कम मीडिया पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो चाहते हैं कि यहाँ पर भीड़ कम हो, विधानसभा में भीड़ कम हो, भीड़ पत्रकार तो बढ़ाते नहीं है, पत्रकार तो खुद आते हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है उसको कंट्रोल करना चाहिए, मीडिया को कंट्रोल। जी, आप तो युवा पत्रकार, युवा मीडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इस तरह से मीडिया सीख पाएगी कुछ विधानसभा कवरेज की बातें? देखिए, जब जर्नलिज्म नई नई सीखने को मिलती है तो विधानसभा की एक ललायत होता है व्यक्ति की, विधानसभा में जाएंगे, कवरेज करेंगे और वहाँ जा करके सीखने की कोशिश करेंगे सीनियर पत्रकारों के जरिए। लेकिन विधानसभा में आने के बाद में ये पता चलता है कि सरकार जिस तरीके से कानून लेकर के आ रही है, सरकार जिस तरीके से प्रतिबंध लगा रही है, तो किस तरीके से कवरेज कर पाएंगे यंगस्टर जो जर्नलिस्ट हैं। वो कहीं ना कहीं खोट जब आपस में रहता है, अपनी विफलताओं को छुपाने की कोशिश करते हैं, तभी मीडिया से बचने की कोशिश जो है सरकार के नुमाइंदे करते हैं, तो साफ जाहिर है सरकार के नुमाइंदों ने आज जाहिर कर दिया। मीडिया से बचने की कोशिश, महिला पत्रकार हैं, कई महिला पत्रकारों के भी पास नहीं बने इस बार, ये कहा गया कि स्वतंत्र पत्रकार क्या करेंगे अंदर आकर, क्या इस तरह का कभी देखा आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, मैं 22 साल हो गए यहाँ पे आते हुए विधानसभा कवरेज करते हुए, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। और इस बार तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है कि कमेटी में हमेशा एक ना एक महिला रहती है, लेकिन इस बार एक भी महिला नहीं है, और मुझे इस बार तो बहुत ही दुख है। और ये तो मतलब कि मुझे लगता है कि सीपी जोशी जी जो हैं वो बहुत ही आतंकवादी हैं। नीरज जी, आप तो शुरुआत से सीनियर पत्रकारों में गिने जाते हैं, क्यों इस तरह से सरकार, विधानसभा अध्यक्ष मीडिया पर बंदिशें लगा रही है? कोई खास कारण नजर आ रहा, वजह नजर आ रही है? ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार अपनी गलतियों को छुपाना चाहती है, और जिस तरह का अड़ाइमेंट है अध्यक्ष जी का, वो नहीं लगता कि वो पत्रकारों के हित में है। और जिस तरह से अभी कमेटी के लोगों ने बातचीत की, सारे पत्रकार उनसे बातचीत करने गए, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राज्यसभा और लोकसभा की तरह ही मैं सदन चलाऊंगा। लेकिन लोकसभा में गलत क्या, राज्यसभा और लोकसभा की तरह अगर सदन चलाने की बात करें तो इसमें गलत क्या, कहाँ बंदिशें नजर आ रही है आपको, कहाँ कमियाँ नजर आ रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए कि क्योंकि रीजनल चैनल्स है, उसमें 3 लोगों के पास बने हैं, तो कैसे आप मुझे बताइए कि कई बार विधानसभा रात के 12 बजे तक चलती है, 3 लोग कैसे कवर कर पाएंगे? कम से कम 4 या 5 पास बनने चाहिए ताकि रिपोर्टरों को टाइम के अनुसार उनको रिपोर्टिंग का अवसर मिल सके। इसमें जो बाउंडेशन लगाई है कि आप किसी मंत्री से बात नहीं कर सकते,
पर पत्रकार दरगाह में नहीं जा सकते, प्रेस दरगाह में नहीं जा सकते, किसी पीआरओ से बात नहीं कर सकते। तो ये बंदिशें जो है वो खतरनाक है कि जब पत्रकार यहाँ कवरेज करने के लिए आ रहा, कोई पर्सनल काम से तो आ नहीं रहा, उसकी कोई व्यक्तिगत काम तो होते नहीं है, वो अपना बाइट लेने आता है, वर्जन लेने आता है, मंत्री का हो चाहे किसी अधिकारी का हो, तो उनको जो तमाम बंदिशें इस कार्ड में लगाई गई है, आप देख सकते हैं जिस तरह से बंदिशें लगाई गई है, ये पहली बार है, आज से पहले कभी इस तरह की बंदिशें नहीं लगाई गई है। एक पास बनता था और हम पूरी विधानसभा के अंदर जब चाहें जिसके पास जाएं, जो मंत्री फ्री होता था बुला के टाइम दे देता था, उससे बाइट ले सकते थे, उससे वर्जन ले सकते थे, लेकिन अब इस पास बनने के बाद में हम किसी से कोई बात नहीं कर सकते। जो सदन में कार्यवाही होगी, जो बाहर मंत्री बाइट देगा, अपनी बाइट देगा, वो देगा। सदन की कार्रवाई की बात करें, मैं एक सवाल जानना चाहूंगा, सदन अक्सर देखा गया हंगामे वाला, विपक्ष भी इस बार मजबूत है, जब आवाज ही ठीक से सुनाई नहीं देगी, यही तो गलत खबर देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, यही मुझे लगता है यही डर कहीं ना कहीं है कि विपक्ष मजबूत है, और विपक्ष जिस तरह से तैयारी करके आया है, लग रहा है सरकार विपक्ष की आवाज को भी दबाना चाहती है, और जब मीडिया अंदर नहीं रहेगा, मीडिया बायकॉट करेगा, तो बाहर लोगों तक कुछ पहुंच नहीं पाएगा, और अब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मुकेश जी, आगे का विरोध किस तरह से होगा, क्योंकि आप तो प्रेस क्लब का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने मीडिया पे इमरजेंसी लगाने की कोशिश की है, और ये सरासर निंदनीय है, और इसका विरोध किया है। सीपी जोशी जो स्पीकर है उनसे बात की है, लेकिन उन्होंने वो भी अड़ी गए, अड़ामेंट उनका जो रवैया है वो केवल अड़ामेंट नहीं है, उन्होंने ये कहा कि अगर आप बायकॉट करना चाहते हैं तो करिए, कल करने की बजाय आज ही करिए, ये शब्द भी बोल दिए। तो बिल्कुल, इसीलिए हमने बहिष्कार का निर्णय किया है, और हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे ये, और हमारा जो अपना जो विड्रॉ नहीं करेंगे आदेश, तब तक हम बहिष्कार का निर्णय किया, बहिष्कार रखेंगे हम। बहिष्कार का प्रारूप क्या होगा ये बताइए, क्योंकि देखिए खबर कवर करना हर मीडिया कर्मी का धर्म है, कोई भी चैनल अखबार नहीं चाहेगा कि इस तरह से खबर का ही पूरी तरह बायकॉट हो, बहिष्कार का प्रारूप क्या होगा? मीडिया कर्मी यहाँ विधानसभा में जरूर पहुंचेंगे, लेकिन पत्रकार दीर्घा और प्रेस कक्ष में नहीं जाएंगे, और पूरी तरह से उसका बहिष्कार रखेंगे। सर आप भी बताइए ना, सर आप तो लगातार कवर कर रहे हैं, आपके पास भी कवरेज पास है, अब तो यह भी तय कर दिया गया कि कुछ लिमिटेड लोगों को ही एक्सेस दिया जाएगा, बाकी लोगों को नहीं दिया जाएगा, ऐसे तो कैसे चलेगा? क्या कि इससे पहले भी कभी होता था इस तरह की परंपरा आपने देखी राजस्थान में? देखिए 1998 में पुरानी विधानसभा जो जलेब चौक है, मैं तब से कवरेज कर रहा हूं, उसमें सिर्फ एक लाइन की पत्रकार दीर्घा थी, उसमें भी कभी ऐसा नहीं हुआ, उसमें भी 5 या 6 पत्रकारों के पास बनते थे और एक एक आदमी जाता था और कवर करता था। अभी भी वही नियम है कि एक साथ सारे पत्रकार एक साथ बैठ के कवर नहीं करते, हर कोई संस्थान भी अलाउ नहीं करता कि एक साथ 4 पत्रकार उसके एक वक्त पे पहुंच जाए। हाँ, और वो पत्रकार, एक पत्रकार आता है 2 घंटे कवर करता है, फिर खबर बनाने चला जाता, फिर दूसरा पत्रकार आता है। इस पर अगर अध्यक्ष ये कहते हैं कि मैं 600 पास नहीं बना सकता, तो ये उनके देखने का नजरिया कहीं ना कहीं गलत हो रहा है कि 600 पत्रकार एक साथ नहीं आते, फिर भी उन्होंने ये क्यों बार लगाया है, ये समझ से परे है। दूसरा, जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, क्योंकि सरकार बनने के 5 महीने बाद में उनकी विफलताएं वोट के रूप में तब्दील हुई, सरकार हार के आई, अब सोचती है कि उसका सामना करूं या विपक्ष का सामना करूं, ऐसे में मीडिया को और कोई ज्वलंत मुद्दे मिल गए तो सरकार की और किरकिरी होगी, तो सरकार भी कहीं ना कहीं नहीं चाहती कि मीडिया इस तरह से उनका कवरेज करे। आज हमने देखा था, आप भी जब अंदर विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी भी बेबस लगे, उन्होंने तो हाथ ही खड़े कर दिया कि वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैंने पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान 4 विधानसभाओं की मैंने कवरेज की है, मुझे 4 विधानसभाओं में कहीं पे भी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला। राजस्थान की विधानसभा में आज गहलोत साहब, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी रुके जरूर, लेकिन उनका भी जो वो था उसमें कोई पत्रकारों के ज़्यादा हित की बात नहीं थी, वो कह के जरूर गए कि आप क्यों डर रही है, सरकार डर क्यों रही है, मीडिया से क्यों डर रही है, कवरेज से क्यों रोक रही है, कवरेज में तो कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि बजट का जो लाइव करते थे, अब उस पर भी विचार करेंगे कि आपका आउटपुट दिया जाए नहीं दिया जाए, यानी कि बजट भी नहीं सुनाना चाहती जनता को। देखिए, जहाँ तक कवरेज का सवाल है, वो तो लोकसभा और राज्यसभा में भी लिंक दिए जाते हैं, यहाँ तो उसको भी रोकने की बात कही जा रही है कि समीक्षा की जाएगी इसकी भी। अगर ये समीक्षा किए जाने का निर्णय करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये पत्रकारों पर रोक का निर्णय तो होगा, खुद सरकार के लिए भी आत्मघाती निर्णय होगा, सरकार के लिए आत्मघाती निर्णय होगा। सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्यों ऐसा माहौल बन रहा है राजस्थान में, क्या मीडिया 2 भागों में विभाजित हो गया है, या सरकार को लगता है कि मीडिया की जरूरत ही नहीं है, हम तो खुद ही चला लेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपना मीडिया के ऊपर जिस तरह का वैन लगाया है, ये एक लोकतंत्र पर कुठाराघात है, क्योंकि जो समस्या आम जनता की समस्या है, उस समस्या को पब्लिक के सामने मीडिया ही लाती है। अभी हमारे कैसे लाएगी सर, सवाल यह कैसे लाएगी, जब आप पे प्रतिबंध लगा दिया, अंदर जाने से रोक लगा दी गई,
आपको ये कहा जा रहा है कि एक आदमी जो विधानसभा का बजट सत्र है 8 से 10 घंटे या कभी कभी आधी रात तक भी चलता है पूरा एक ही एक पत्रकारी कवर करे, कैसे होगा ये? मेरा भी वही कहना है, अगर इस तरह की जो वैन लगाया है ये गलत है, पब्लिक के लिए भी गलत है, क्योंकि जो समस्याएं विधानसभा में, ये राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है और इस पंचायत से जो भी फरमान जारी होते हैं या बिल पास होते हैं उनको जनता के लिए फ़ायदा है, और ऐसी स्थिति में यदि मीडिया पे इस तरह का वैन अगर लगाया जाता है तो डेफिनेटली जनता के लिए नुकसानदायक है, और आने वाले समय में जनता को इस चीज़ जनता इसका जवाब भी देगी। और अभी मेरे कई साथियों ने बात कही भी है कि सरकार जो है घबराई हुई है और सरकार को यह अंदेशा है कि कहीं न कहीं जो हमारी 6 महीने 5 महीने की जो विफलता है वो जनता के सामने ना आ जाए, यही कारण मूल रहा है। इसीलिए इनका विधानसभा अध्यक्ष का इस तरह का जो बर्ताव है ये जनहित में भी नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी खुद विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, जमीन से जुड़े नेता माना जाता है, क्या उम्मीद थी कि इस तरह से वे बंदिशें लगाएंगे मीडिया के कवरेज पर? यहाँ तक कि आम लोगों को भी कई बार अब बहुत प्रतिबंध लगा दिया गया है, अंदर आने से पहले उनकी बहुत सारा नियम कायदे फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही वे देख ही पाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष महोदय को मैं कहना चाहूँगा कि पुरानी विधानसभा से लेकर अब तक के नियमों में कोई संशोधन तब्दीली नहीं की गई है। अगर नियमों को उठा के देखा जाए, विधानसभा अध्यक्ष खुद देखेंगे इसको, तो वो इस मीडिया के लिए कुठुराघात किया है, क्योंकि वो नियम पढ़े कि किसी चीज़ के लिए कोई बाध्यता नहीं रखी है। अगर किसी अखबार का कोई RNI नंबर है तो आप उसको प्रवेश करने से रोक नहीं सकते। देखिए ये एक बड़ा नियम इस बार लेके आया गया है कि जिस अखबार की जितनी प्रसार संख्या होगी, यानी कि जितना सर्कुलेशन उसका होगा, पढ़ने वाले होंगे, उस अखबार के प्रतिनिधि को पास उतना ही मिलेगा, यानी कि बड़े अखबार के प्रतिनिधियों को 4, 5, 6 कोई लिमिट नहीं होगी, लेकिन जो छोटे अखबार हैं उन्हें 1 लाख अगर प्रसार संख्या होगी तो 1 पास मिलेगा, इस तरह का नियम? मेरा फोर्टनाइट कलेक्शन अखबार है और मैं हर नियमों के लिए लड़ाई लड़ता आया हूँ। आज छोटे अखबारों के लिए जिस तरीके से कुटुराघात किया गया है कि एक प्रतिनिधि तो विधानसभा में कवरेज के लिए चाहे 4 दिन के लिए अलाउ किया जाए, लेकिन किया जाना चाहिए उन्हें, लेकिन उससे दरकिनार किया गया है। विधानसभा PRO साहब कहते हैं हमें कि आप रोजाना पर्ची आके बना लिया करो और फिर आपको प्रवेश दिया जाए। हाँ, देखिए स्वतंत्र पत्रकार या जो 15 दिन में पाक्षिक अखबार निकलते हैं, मासिक अखबार निकलते हैं, वे एक समीक्षात्मक लेख लिखते हैं कि 15 दिन में सरकार का कामकाज कैसे रहा, किस तरह की बातें वे जनता के सामने रखती है। लेकिन अब उनके लिए भी नियम बना दिया गया है कि वे टेम्प्रेरी पास, यानी कि एक पर्ची हर रोज कटवाना पड़ेगा, विधानसभा के PRO अधिकारियों को फ़ोन करना पड़ेगा, उनसे मन्नतें करनी पड़ेगी कि मुझे कवरेज के लिए देखने की इजाज़त दी जाए, तब कहीं जाकर उनका पास बनेगा और तब तक विधानसभा की कार्यवाही का एक बड़ा वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की विधानसभा में 2 जो वेटरन जर्नलिस्ट हैं, जिसमें प्रवीण चंद जी छाबड़ा और गुलाब चंद जी बत्रा साहब, वो ऐसे पत्रकार हैं जिनको ऑनरेरी वो दिए जाने चाहिए। अब अगर जो 1958 से या 1960 से ये कवर करते आ रहे हैं विधानसभा को, उन पत्रकारों को भी अगर बाहर आके और अपने पास के लिए वो करना पड़े तो मतलब उनको ऑनरेरी दिए जाने चाहिए, तो उल्टा किया है। एक तरफ सरकारें पत्रकारों को पेंशन देने की बातें कर रही हैं, दूसरी तरफ इस तरह की बात हो रही है भाई उनको पत्रकारों को जो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको प्रवेश तक से रोका जा रहा है। मैडम क्या कहना चाहेंगी इन सबको देखते हुए, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि ये जो हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि गलत तो सब मान रहे हैं, होना क्या चाहिए, क्योंकि अब कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, विधानसभा अध्यक्ष ने मना कर दिया, पत्रकारों का आप प्रतिनिधित्व करती हैं, प्रेस क्लब की मेंबर भी हैं, तो हमें राज्यपाल से मिलना चाहिए इस बात को लेकर, हमें राज्यपाल से मिलना चाहिए। देखिए ये हैं जयपुर के पत्रकार, विधानसभा सत्र के कवरेज के लिए ये सभी लोग आते थे हमेशा की तरह, लेकिन इस बार जिस तरह से बंदिशें लगाई गई है शायद इन पत्रकारों को लगता है कि मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र का कई बार यह सत्र 8 से 10 घंटे या आधी रात तक, देर रात तक भी चलेगा, कई अलग अलग विभागों के ग्रांट भी सरकार को पारित कराने होंगे, ऐसे में केवल एक पत्रकार को ही पास दिया जाना मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद भी कई सारे रिस्ट्रिक्शन हैं खबरों की कवरेज को भी लेकर।
यहाँ तक कि जो बजट का सीधा प्रसारण मीडिया दिखाते थे विधानसभा के लिंक के जरिए, अब उस पर भी समीक्षा की बात विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं, यानी कि बजट भी सुनाना नहीं चाहते आम जनता को, राजस्थान की जनता को, उनकी सरकार ने उनके लिए कितने नए कर लगाए, किस तरह की योजनाएं लेके आई और किस तरह के विकास की बातें कर रही है। इन सभी बातों को लेकर राजस्थान के पत्रकार संगठन में खासी नाराजगी और चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी कम से कम अपने इस अड़ेल रवैये को अब छोड़ दे और मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की बजाय जहाँ कमियाँ हैं उस कमियों को दूर करने पर यदि काम करें तो बेहतर होगा। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन जयपुर, न्यूज़ 24।